व्हाट्सएप एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक और नई ड्रीमलैंड की टीम प्रेडिक्शन की वीडियो में। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैम्पशायर वर्सेस ससेक्स के बीच होने वाले इंग्लिश टी20 ब्लास्ट 2022 के मैच के बारे में। गाइस दोनों टीमों का अगर हम करंट परफॉर्मेंस के बारे में बात कर ले तो गाइस यहाँ पे हैम्पशायर की जो टीम है गाइस वो अभी भी स्टिल अपना फर्स्ट विन ढूंढ रही है। वहीं बात कर लें ससेक्स की तो गाइस वो ऑलरेडी यहाँ पे दो मैच जीत चुकी है। एंड गाइस थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है एंड गाइस वो आगे कंटिन्यू कर सकती है इस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छे तरीके से। तो गाइस इस वीडियो में गाइस आपको इसी बड़े मैच की ड्रीम इलेवन की टीम प्रोवाइड करने वाले हैं, प्रेडिक्शन करेंगे, टीम एनालिसिस करेंगे, तो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस आप हमारे दो काम कर देना, तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, हमारा टेलीग्राम चैनल नंबर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया, प्लीज जाकर ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द फाइनल टीम। तो गाइस फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। यहाँ पे गाइस अगर हम बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 के बारे में दोनों टीमों की तरफ से, प्लेइंग 11 का एरिया आपके सामने गाइस, ये आप प्लेइंग 11 चेकअप कर सकते हैं दोनों टीमों की, काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्लेइंग 11 है गाइस। यहाँ पे जो हैम्पशायर के जो बैट्समैन है गाइस उनमें थोड़ी सी आउट ऑफ फॉर्म हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। वहीं यहाँ पे बात कर लें ससेक्स की तो गाइस ससेक्स की गाइस बैलेंस टीम हमें देखने को मिलती है, बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंड परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है हमें ससेक्स की टीम की तरफ से। यहाँ पे गाइस अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पहले हैम्पशायर टीम की टीम अपडेट्स के बारे में, तो गाइस हैम्पशायर की इस टाइम बॉटम ऑफ द टेबल है साउथ ग्रुप में, गाइस सबसे आखिरी नंबर पर है हैम्पशायर की टीम। स्टिल गाइस अपने फर्स्ट विन से काफ़ी दूर हमें देखने को मिल रही है, चार मैच में से गाइस इन्होंने एक भी मैच नहीं जीता, चारों मैच हार गए हैं एंड गाइस वो स्टिल अपना फर्स्ट विन ढूंढ रही है इस टूर्नामेंट में। नंबर एक बैटिंग करने आएंगे बेन मैकडरमॉट एंड उनके साथ निभाने आएंगे एनिरुन डोनाल्ड। नंबर तीन पर बैटिंग करने आएंगे निक गुबिन्स, उनका साथ निभाने आएंगे जोई वेदरली एंड रॉस वाइटली। यहाँ पे गाइस अगर हम बात कर ले स्पिन बॉलिंग में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे लियम टॉसन एंड उनका साथ निभाने आएंगे नेथन एलिस एंड क्रिस वुड। यहाँ पे गाइस अगर हम बात कर लेते हैं ससेक्स की टीम अपडेट के बारे में, तो गाइस ससेक्स की जो टीम अपडेट्स है गाइस काफ़ी ज़्यादा, अगर हम बात कर लें दो में से मैच जीत चुके गाइस, अपने दो मैच जीते हैं गाइस इन्होंने चार मैचों में से। जी हाँ गाइस चार मैच इन्होंने खेल चुके हैं गाइस, जिसमें कि इन्होंने दो मैचों में इनको जीत मिली है, दो मैचों में हार मिली है। तो गाइस बैलेंस इनका ये टूर्नामेंट अभी तक रहा है, सेवन पोजीशन पर है गाइस। जिस मैच को जीतिए गाइस अपने आप को ऊपर लेके आने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पे ससेक्स की टीम की रहने वाली है। यहाँ पे गाइस अगर हम इनकी बात करें टॉप ऑर्डर में, यहाँ पे एक टीम सीफर्ट एंड गाइस लुक लाइट के आपको जोड़ी देखने को मिलेगी। नंबर एक नंबर दो पे नंबर तीन पे बैटिंग करने आएंगे अली और उनका साथ निभाने आएंगे टॉम अल्सॉप एंड का रवि बोपारा। यहाँ पे गाइस अगर हम बात कर लेते हैं स्पिन बॉलिंग में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे डेरिल रॉलिंस एंड गाइस उनका साथ निभाने आएंगे ओबिन मकोयन एंड स्टीवन फिन। यहाँ पे गाइस अगर हम की प्लेयर्स के बारे में बात कर ले दोनों टीमों की तरफ से, यहाँ पे की प्लेयर यहाँ पे रहने वाले हैम्पशायर की तरफ से बेन मैकडरमॉट हो गए, निक गुबिन्स हो गए, जेम्स फुलर हो गए, लियम डॉसन हो गए, नेथन एलिस हो गए। वही बात कर ले ससेक्स की टीम अपडेट्स के बारे में, यहाँ पे की प्लेयर्स के बारे में यहाँ पे रहने वाले हैं टिम सीफर्ट, लुक राइट, रवि बोपारा, डर्ले रॉलिंस, ओबिन मकोय, टाइमन मिल्सन, स्टीवन फिन। तो गाइस ये रहने वाले हैं दोनों टीमों के की प्लेयर। गाइस ट्राई करना अपने जो ड्रीम इलेवन की टीम आप बनाने वाले हैं गाइस इन्हीं की प्लेयर से बनाना, क्योंकि गाइस ये हम एनालिसिस करके गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पे रहने वाले हैं गाइस टीम बनाना, तो गाइस मोस्टली मैक्सिमम प्लेयर्स आप यही लेना है गाइस आपको, गाइस इनमें से कोई ना कोई प्लेयर अच्छा स्कोर करता हुआ दिखाई देगा। कैप्टन वाइस कैप्टनसी की पिक भी गाइस आपको यहाँ पे हम अपनी ड्रीम इलेवन की टीम पे बताने वाले हैं। तो गाइस चलते हैं अपनी ड्रीम इलेवन की टीम की तरफ। विकेट कीपर के ऊपर गाइस अगर हम बात कर लेते हैं विकेट कीपर में, अपने पास जो मेन पिक यहाँ पे रहने वाले बेन मैकडरमॉट हो गए, टिम सीफर्ट हो गए, गाइस आप इन दोनों को पिक कर सकते हैं गाइस आप चाहें तो। गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगा टिम सीफर्ट को आप ग्रैंड लीग में पिक करना, स्मॉल लीग में लेने का मतलब बनता नहीं क्योंकि गाइस आउट ऑफ फॉर्म यहाँ पे टिम सीफर्ट है। तो गाइस यहाँ पे आप ग्रैंड लीग में पिक कर सकते हैं गाइस अगर चलते हैं तो, गाइस आपको अच्छा स्कोर बना के दे सकते हैं। स्मॉल लीग के लिए गाइस हम यहाँ पे बेन मैकडरमॉट को पिक करने वाले हैं, जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छे टैलेंटेड यंग बैट्समैन हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे गाइस अगर हम बात कर लेते हैं बैटिंग में यहाँ पे पिक करने वाले हैं लुक राइट को, जो कि गाइस एक अच्छे बैट्समैन हैं गाइस अपनी ससेक्स की टीम की तरफ से। उनके बाद यहाँ पे हम पिक करने वाले हैं गाइस यहाँ पे रॉलिंस को पिक करेंगे, जो कि गाइस अनदर इनफॉर्म बैट्समैन है अपनी ससेस की टीम की तरफ से। उनका थर्ड पिक हमारी वेदरली के साथ रहने वाले, जिन्होंने गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली है हैम्पशायर की तरफ से। माना गाइस कोई ऐसा बहुत बड़ी इनिंग अभी तक खेली नहीं है, बट गाइस जैसी इनिंग खेले गए अच्छी इनिंग खेली है, स्टार्ट इनको मिलता है। यहाँ पे गाइस अगर हम बात कर लेते हैं ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में जो मेन पिक यहाँ पे रहने वाले हैं गाइस, यहाँ पे हम डॉसन को पिक करने वाले हैं, रवि बोपारा, जो कि गाइस एक इनक्रेडिबल फॉर्म है, बैटिंग बॉलिंग दोनों में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं रवि बोपारा, उनको पिक करेंगे। यहाँ पे गाइस फुलर को भी पिक करेंगे, जो कि गाइस अनदर इन फॉर्म ऑलराउंडर है हैम्पशायर की टीम की तरफ से।
यहाँ पे गाइस अगर हम बात कर लेते हैं बॉलिंग में, बॉलिंग यहाँ पे पिक करने वाले हैं गाइस फिलहाल यहाँ पे स्टीवन फिन को पिक करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल बॉलिंग हमें इनकी तरफ से देखने को मिली है अभी तक। टाइमन मिल्स को पिक करेंगे लास्ट के 2 मैचों में, तो गाइस टाइमन मिल्स ने कमाल की बॉलिंग करी है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे टाइमन मिल्स को पिक करने वाले हैं हमारी सेकेंड बॉलर्स की लिस्ट में पिक। यहाँ पे गए थर्ड पिक हमारे यहाँ पे रहने वाली नेथन एलिस के साथ। अनदर गाइस एक काफ़ी यंग टैलेंटेड बॉलर है नेथन एलिस। फोर्थ पिक यहाँ पे हमारे रहने वाले उबेद मकोई के साथ। जी हाँ गाइस, उबेद मकोई गाइस आपको एज अ काफ़ी अच्छा बॉलर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है ओबेन मकोई के रूप में। तो गाइस यहाँ पे ओबेन मकोई को पिक करने वाले अपना लास्ट बॉलर। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऊपर बात कर लेते हैं। कैप्टन यहाँ पे गाइस हमारे रहने वाले हैं सक्सेस के गाइस यहाँ पे रवि बोपारा, जो कि गाइस बैटिंग बॉलिंग काफ़ी अच्छा परफॉर्म आपको करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रवि बोपारा एज अ ऑलराउंडर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाइस कैप्टन यहाँ पे हमारे रहने वाले गाइस आपके पास देखिए वाइस कैप्टन के लिए ऑप्शन आ रहे हैं। गाइस वाइस कैप्टन के लिए यहाँ पे गाइस फुलर को वाइस कैप्टन बना सकते हैं गाइस अगर आप चाहें तो। बट गाइस यहाँ पे मैं मैकडरमॉट को वाइस कैप्टन बनाने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, मैकडरमॉट को हम यहाँ पे हैम्पशायर का जो ओपनिंग में आपको बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे विकेट कीपर बैट्समैन, यहाँ पे हम इनको वाइस कैप्टन बनाने वाले हैं। ये गाइस फिलहाल के लिए हमारी फाइनल टीम रहने वाली है गाइस। होप सो गाइस आपको टीम अच्छी लगी होगी। टीम अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नए तो गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये वीडियो यहीं तक ही थी गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।